भारत का वेस्ट इंडीज़ दौरा चालू हो रहा है। एक तरफ वेस्ट इंडीज़ क्वालिफायर में हार के आई है और भारत भी तो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में करारी हार उनको भी तो थमाई गई थी। दोनों जनी हार का सामना करके आ रहे हैं और अब यहाँ पर आज बात करेंगे फाइव की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर का। पहला नाम आता है नाम यशस्वी जायसवाल, उनको बुलाया गया है ये टेस्ट के लिए और क्या पहले ही अपने कॉल में कर पाएंगे कमाल जैसा आईपीएल में था प्रदर्शन, क्या उसको रख पाएंगे बरकरार। यशस्वी जायसवाल ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट और आईपीएल 2023 में गजब का प्रदर्शन किया। ये रन्स का अंबार जो लगाया ये आपके सामने आपको स्क्रीन में दिखाता है जो एकदम पर्पल पैच में चल रहे हैं, ये ड्रीम इनका साल अभी तक ये चल रहा है, क्या इसको रख पाएंगे बरकरार। दी प्रोडिगल सन, ये युवा बल्लेबाज वेस्ट इंडीज़ के लिए कमाल करता नजर आया है। ये इनका टेस्ट करियर अभी तक स्टार्टिंग तो गजब रहा है। इन्होंने ओपनिंग में गजब का इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने पारी खेली थी पर्थ में, 51 और 45 रन की कुछ खेली थी इन्होंने पारी, 207 रन अगेंस्ट जिम्बाब्वे यही साल फरवरी में लगाया था और इनका तो टेस्ट करियर का औसत रहा है। और इनिंग्स और रन्स देखें तो कितना ख्वाब रहा है, ये आपके सामने एक स्क्रीन में दिखाता है। क्या ये साउथ पाओ ये क्या कमाल कर पाएंगे भारत के सामने, क्या अपना जलवा बिखेर पाएंगे ये युवा बल्लेबाज, क्या अपना नाम को चमका पाएगा। और अश्विन अब ऐसा नाम, ये क्या अपना जो नाम है ओवरसीज़ में जाके क्या चमका पाएंगे एक और बार, दो मैचों की एक टेस्ट सीरीज़ में क्या इनको मिलेगा मौका, जहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में नहीं था इनके लिए कोई जगह। 2021-23 के बीच में सबसे ज़्यादा विकेट चटकाने वाले ये गेंदबाज रहे भारत के लिए, बल्लेबाजी से भी करते हैं अपना एक अच्छा काम करके दिखाता है, 4 टेस्ट शतक इनके नाम। जहाँ पर अगर बात करें आपको तो इनका लो लव्स वेस्ट इंडीज़, ये आपको गेंदबाजी और बैटिंग का आपको ये स्कोर कार्ड दिखाता है। गेंदबाजी इनको क्या इनके देगा इनको चांस, इनके स्क्वाड में क्या दिला पाएगा इनको जगह, और कार्लोस ब्रैथवेट क्या ये अपने टीम को जीत के पार लगा पाएंगे, ये ब्रैथवेट ये क्या ओडीआई वर्ल्ड कप में ये इन ऑस्ट्रेलिया को लीड वेस्ट इंडीज़ को लीड करते आए। इनका जो एवरेज था वो मार्जिनल ओपनर्स का रहा था, 22 का रहा था टेस्ट बनाम भारत का, लेकिन ये अकेले बल्लेबाज ये अपने कप्तानी से अपना टीम को अपने बलबूते पर खड़ा रखा है। 2022 से कप्तानी जनवरी से करते हुए 52 का इनका औसत रहा है, बल्ले से कमाल करता है और क्या अपना यही बल्लेबाजी फॉर्म को बरकरार रख पाएगा भारत के सामने। लेकिन उसको रोकने के लिए भारत के पास एक ऐसा तापरा है, एक ऐसा गेंदबाज है, युवा जोश इनके पास है, सिराज इनका नाम है। ये सिराज दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ में भारत को गेंदबाजी अटैक को लीड करते नजर आएंगे, पेस अटैक को भारत के लीड करते नजर आएंगे, क्योंकि इन्होंने क्या बात 2021 में इन्होंने शुरुआत की थी, 5 विकेट का हॉल चटकाया था 2021 में और वहीं से ये अपने तीनों फॉर्मेट में गेंदबाज बन चुका है भारत का 2023 से, गजब का इन्होंने काम किया है। और इंटरनेशनल इन आईपीएल 2023 में भी इन्होंने गजब का काम किया वो आपको दिखाया जाता है। और क्या सिराज अपना पर्पल पैच को क्या कंटिन्यू रख पाएगा, ये कुछ नाम दे जो कर सकते हैं ये श्रृंखला में मचा सकते हैं अपना नाम का बवाल। क्या आपको क्या लगता है कौन से वो खिलाड़ी होंगे, ज़रूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में लेके बताइए। अगर आपको वीडियो लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।